कमर और बिस्तर का ताल्लुक खत्म हो जाता है जब इंसान की जिंदगी के अंदर उसको पता होता है कि सामने बर्बादी और सामने आबादी। तो देखें कुरान की इस आयत के अंदर लेस प्रोडक्टिव देन द साबिकुन बिल खैरात बट मोर प्रोडक्टिव, क्योंकि सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचाता। तीसरे हैं जालिम लिनफ्सी, हैं ये भी कंपनी का हिस्सा है, इस्लाम का हिस्सा है, ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, सिस्टम का पार्ट है, मगर वाजिबात में भी डंडी है कहीं, मुहर्रमात हराम चीजों में भी कभी मैंडेटरी SOPs के अंदर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज, बाकी नीचे की कैटेगरी तो वैसे ही कॉम्प्रोमाइज हो। तो देखें कुरान की इस आयत के अंदर ह्यूमन परफॉर्मेंसेस और प्रोडक्टिविटीज के कितने लेवल्स मौजूद थे। हम इस क्लासिफिकेशन को छोड़ के किसी और की तरफ क्यों जाएं, क्योंकि इस क्लासिफिकेशन की बेस के ऊपर पूरे 3 बर्रे आजमों पर राज कराया है, इसने कॉन्कर किया उन सदियों को, ये बेसिस थी ना उसकी, लेकिन ध्यान ही नहीं जाता। तो मैं इसी पे रैप अप करूंगा अपने भी, और सबको अकोमोडेट भी किया जा सकता है, अकोमोडेट भी किया, दूसरे वाले को अकोमोडेट किया, जलील नहीं किया, तीसरे वाले को जलील नहीं किया, तंबीह किया, सबको परफॉर्मेंस में लाने का जो सेटअप है वो डिफरेंट है, लेकिन पूरे सिस्टम को मूव कराया आगे से। इंफरादियत में तो छोड़ा ही नहीं है कभी किसी ने, हमारी इस्लामिक शरिया के पर्सपेक्टिव। तो मेरी इन सारी चीजों के ऊपर रखना है, इस हाई लेवल की सोच और इंटेलेक्ट पे जान क्या कर रही है, कौन क्या करें लोग, तलाश क्यों नहीं कर रहे, सोच क्यों नहीं रहे, ढूंढ क्यों नहीं रहे। और अगर हमारे वालों को जब यहां से नहीं मिलेगा तो फिर कहीं और जाएंगे, मगर सब जाया कैसे कर सकता है, अब ये सारी सोचे में बता हसन जाया कैसे कर सकता है, वो तो कमर और बिस्तर का ताल्लुक खत्म हो जाता है जब इंसान की जिंदगी के अंदर उसको पता होता है कि सामने बर्बादी और सामने आबादी खड़ी है। दैट्स हाउ इट इज। आज अगर ये सीरियस होंगे, आज ये संजीदगी आएगी, आज ये डेडिकेटेड होंगे, तो आज लाइफ पर ग्रिप हो जाएगी। एक एक फैसेट के अंदर सिर्फ अपने आप को कामयाब करके समझना कि जी मैं इसमें बड़ा एक्सीलेंट हो गया हूँ और बाकी सारी डोमेन्स माठी हुई है, चाहे वो पर्सनल हो, मॉरल हो, सोशल हो, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट से हो, तो ये तो एक्चुअलाइजेशन नहीं है ह्यूमन सोच की, ह्यूमन ग्रोथ की। हाँ जी, क्या रिस्पॉन्स है जी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, रिस्पॉन्स इज वेरी गुड। एक क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों के ग्रूमिंग के हवाले से कि किस एज से जो है ये कॉन्सेप्ट डाला जाए बच्चों के अंदर, ताकि कल को वो जाके उसके अंदर ये अलर्ट्स खड़े हों। आपने एड्रेस मैंने बता दिया किस एज में, बट उसने खुद देखना है, माँ ने बाप ने खुद देखना है कि इसमें आहिस्ता आहिस्ता सोच कितनी डेवलप हो रही है। इतना बड़ा विजन होगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता माँ बाप खुद डाल लेंगे, इसकी कोई वो क्राइटेरिया थोड़ी है। उसके लिए पेरेंट्स में भी मतलब उसमें सोच होगी। हम ये बातें इसलिए तो कर रहे हैं, कौम के पेरेंट्स के अंदर भी ये बात है कि भाई मैंने बनाना है इसको, ये मैंने इसको ये स्ट्रॉन्ग वैल्यूज देनी है कि कल को जब ये अकेला हो ये जाया ना करे अपनी जिंदगी को, अपने आप को। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक हुज़ैफा भी ड्रेन्ड हो गया, नहीं शेख मैं, और मेरे ख्याल से हसन सज्जाद भी ड्रेन्ड हो गया, नहीं शेख ड्रेन अम्मी है मैं तो, और मेरे ख्याल से लोग भी थक गए होंगे आज इतना ज्यादा जो है वो। पूरी कोशिश होगी कि अपने रूटीन को, डिसिप्लिन को कायम रखा जाए हफ्ते को आने के लिए, और जरूर जो हम अपने जिंदगी की गलतियों से, अपनी जिंदगियों की कमजोरियों से जो सिखा सकते हैं लोगों को, ये सिलसिला चलता रहेगा इंशाल्लाह। खैर, इंशाल्लाह ताला आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।